भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ, टिकट के दावेदारों के बीच यहां पर हाथापाई हुई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। 65 टिकट के दावेदारों के बीच यहां पर हाथापाई की तस्वीर ये देखिए। तो नरेला विधानसभा के 65 दावेदारों की यहां पर बैठक रखी गई थी। जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने ये बैठक रखी थी। तो कांग्रेस दफ्तर में हंगामे की तस्वीर, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी ये देखिए। तो कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ है भोपाल में। तो यह हंगामे की तस्वीर भोपाल की, टिकट के दावेदारों के बीच हाथापाई की तस्वीर यहां पर। टिकट के दावेदार आपस में भिड़ गए अपने कार्यकर्ताओं संग। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जमकर हाथापाई हुई है। कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ, 65 टिकट के दावेदारों के बीच हाथापाई हुई यहां पर। तो नरेला विधानसभा के 65 दावेदारों की यहां पर बैठक रखी गई थी। कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ, नरेला विधानसभा के 65 दावेदारों के बीच यहां पर देखिए किस तरीके से मारपीट हुई है। तो कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा, भोपाल की तस्वीर। तो टिकट की दावेदारी के लिए आपस में जमकर हाथापाई हुई, खूब लात घुसे चले। ये देखिए कुर्सियां तक उठा ली गई हाथ में, हथियार की तरह उसको इस्तेमाल किया गया। तो 65 टिकट के लिए ये दावेदारी को लेकर यहां पर हाथापाई की तस्वीर, कई गुट आमने सामने आ गए और फिर जो हुआ दे दनादन। ये देखिए कांग्रेस दफ्तर की यह तस्वीर है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शबीर, हाथापाई की सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए अभितोष, कांग्रेस के अंदर जब जब चुनाव करीब आते हैं ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, खासकर नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो। और इस बार भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ चुकी है। और राजधानी भोपाल में भी आज नरेला विधानसभा के जो टिकट के दावेदार है पार्षदों के, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। नरेला के एक मैरिज हॉल है, वहाँ पर यह बैठक बुलाई गई थी। और उसके अंदर जो कैलाश मिश्रा हैं, भोपाल जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद थे, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, और तमाम टिकट के दावेदार और उनके समर्थक मौजूद थे। लेकिन इसी दरमियान आपस में कांग्रेस के जो नेता थे, क्योंकि एक एक वार्ड पर दर्जनों दावेदार हैं, यानी ये कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है कांग्रेस के अंदर, और इसी को लेकर ये नूरा कुश्ती वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी अभितोष देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कुर्सी उठा के मार रहे हैं। और कई जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, वहां पर हाथापाई और एक दूसरे के साथ मारपीट भी की गई है। और वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा मामला शांत करवाया गया है, जो कांग्रेस के बीच में विवाद हुआ। विवाद की जो वजह निकल कर सामने आ रही है, वो ये निकल कर सामने आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो पार्षद 3 से 4 बार के रहे हैं, वो मध्य विधानसभा से कई बार पार्षद रहे हैं, लेकिन वो अब नरेला विधानसभा से पार्षद का टिकट मांग रहे हैं। और जो दावेदारी वहां लंबे समय से कर रहे हैं, वो उन लोगों का ये कहना है कि बाहरी नेताओं को टिकट ना दिया जाए, हमारा हक छीना जा रहा। और इन्हीं सब को लेकर कांग्रेस के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप पहले लगाए गए, फिर धक्का मुक्की स्टार्ट हुई, फिर एक दूसरे के साथ मारपीट हुई, और उसके बाद कुर्सियां ही उठाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर यही स्थिति रहेगी तो नगर निगम चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं अभितोष कांग्रेस की तरफ से कि इस बार हम 16 में से अधिकतर सीटें जीतेंगे, नगर निगम की महापौर की चुनाव जीतेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि अगर इस तरीके से गुटबाजी देखने को मिलेगी और इस तरीके से मारपीट आपस में करेंगे, तो जब दूसरे को टिकट मिलेगा और दूसरा जब नाराज होगा, तो फिर कैसे समन्वय बनाया जाएगा? क्योंकि कल भी एक शपथ पत्र देखने को मिला था अभितोष हम लोगों को, और ये कहा गया था कि उस शपथ पत्र में ये तमाम दावेदारों से कहा गया था कि आप अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो आप निर्दलीय फॉर्म नहीं भरेंगे, ये एक शपथ पत्र था। और उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई, हम सबको पता। और आज एक और फॉर्म सामने आया और उसके अंदर भी ये जिक्र है कि आप जिन नेताओं का रेफरेंस लेकर आ रहे हैं उनका बाकायदा आपको एक फॉर्म भी भरना होगा। यानी आप इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर सामने आई। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।